अस्सलाम वालेकुम जी। जच्चा बच्चा डॉट कॉम की तरफ से डॉक्टर उस्मान गिल। जच्चा बच्चा डॉट कॉम एक प्लेटफॉर्म है जो कि फोकस है वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में। ये उनके लाइफ स्टाइल, उनके हेल्थ केयर इश्यूज को डिस्कस करता है। आज मेरे साथ जो हस्ती मौजूद है, मैं उनको हस्ती कहूंगा क्योंकि जो है उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और काफी एक्सपर्टाइज हासिल है बच्चों को डील करने के बारे में। अब हमें थोड़ा सा गाइड कर दें इस बारे में कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका उस वक्त कितना वेट होना चाहिए नॉर्मली? जो जो न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है ना, तो एवरेज उसका वेट जो है ना वो 2.5 kg से लेकर 3.5 kg के दरमियान हो सकता है। 2.5 kg भी नॉर्मल है, 3.5 kg भी नॉर्मल। इसके दरमियान जो भी वैल्यू होगी 3.1 3.2 ऑलमोस्ट एवरेज नॉर्मल। ठीक है। तो अब बच्चे का जो है, जब पैदाइश हुई, फॉर एग्जांपल एक बच्चे का वेट है 3 kg, जो कि एक नॉर्मल बेबी और एक हैप्पी डिलीवरी है माशाल्लाह से, तो अब उसका वेट कितना और कैसे बढ़ना चाहिए इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें, क्योंकि अक्सर लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन होती है। जी, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन ऑब्जर्वेशन जो देखी जाती है ना, जिसको पेरेंट्स देख के परेशान होते हैं, वो ये है कि स्टार्ट में बेबी का वेट डिक्रीज होने लग जाता है। तो वो पेरेंट्स उसको देख के काफी परेशान होते हैं। तो इट्स नॉर्मल थिंग, स्टार्ट में बेबी का वेट डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर बेबी का वेट डिक्रीज करेगा एंड इट्स ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, 10% का मतलब है अगर आपका बेबी का वेट 3 kg है तो उसका वेट 300 ग्राम कम होगा। ठीक है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट गेन करना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक ये जो वेट कम है इट्स नॉर्मल फिनोमिना, इसको लेके आपने वरी नहीं होना। ठीक है ठीक ठीक है, उसके बाद बेबी जो ये बेबी अपना 300 ग्राम वेट लूज करेगा ना स्टार्ट में, वो बाय द एंड ऑफ 10th डे वो वापस गेन भी कर लेगा इंशाल्लाह। सही सही सही। तो ठीक है, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक बच्चे का नॉर्मली कितना वेट गेन होता है? जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना बेबी के जी। डिलीवरी के फर्स्ट 3 मंथ तक बेबी वेट गेन करता है एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 200 ग्राम पर वीक। ठीक ओके है, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ्स के बाद से लेकर 1 वीक तक बेबी वेट गेन करता है एट द रेट ऑफ 150 ग्राम पर वीक। 1 ईयर तक, मतलब वन 3 मंथ, वन 1 ईयर तक। ठीक है, ठीक है, तो इसका आप मतलब इस तरह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आसान में हम पेरेंट्स को ऐसे समझाते हैं कि जैसे पैदाइश पे बेबी का वेट 3 kg है ना, तो 6 मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट बेबी का वेट डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 kg ठीक हो है, जाएगा। ऑलमोस्ट इस तरह 3 kg है तो 6 मंथ्स के बाद इंशाल्लाह वो 6 kg का हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है, और इसके बाद 1 ईयर तक बेबी का वेट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाता है जो उसका वेट होता है बर्थ के ऊपर। लाइक उसका वेट कितना हो जाएगा, 9 kg एट द एज ऑफ 1 ईयर। है। एक ठीक है, 1 ईयर पे उसका वेट जो है वो 9 kg होगा। जी ऑलमोस्ट, ओके, और उसके बाद 2 ईयर्स पे या दूसरे साल उसका वेट कितना फोर हो जाएगा? टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम, मतलब 12 हो जाएगा, 12 आगे जी हो जाएगा। ठीक है, केजी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा ही आपने बता दिया, क्योंकि अक्सर जो वालदैन है इस वजह से परेशान रहते हैं कि वो समझ रहे होते हैं कि उनका बेबी जो है अंडर वेट है या ओवर वेट है। ये आपने अच्छा वेट बता है। दिया, तो एक दफा अगर अपने नाजरीन को रिपीट करके बता दूं कि फर्स्ट ईयर में आपके बेबी का वेट 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। पहले 6 महीने में 2 गुना, फर्स्ट ईयर में 3 गुना, और 2 ईयर्स में या 2 सालों में 4 गुना वेट हो जाएगा। अगर 3 kg का बच्चा पैदा हुआ है तो फर्स्ट 6 महीने बाद उसका वजन 6 किलो, 1 साल बाद उसका वजन 9 किलो, ये 9 kg, और 2 साल बाद उसका वेट हो जाएगा 12 kg या 12 kg। तो अगर आपका बच्चा 2 साल का है और उसका वेट 12 kg है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसके बाद जो है ना, जो 2 साल के बाद है, 2 साल के बाद ऑलमोस्ट बेबी जो है ना वो 2.2 kg 2.2 kg पर ईयर गेन करेगा, और तब तक प्यूबर्टी तक प्योरिटी तक। बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल। इस बारे ईयर में तक। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, और काफी हद तक हमारे नाजरीन को ये बात समझ भी आ गई होगी। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये गाइड करें कि फीड हमें बच्चों को कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। एक बच्चा पैदाइश के बाद, जब एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद हमें उस पे उसकी जो फीड देनी है वो कैसे देनी है और कौन सी फीड देनी है? जो फीडिंग के वाले से है ना, तो सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को यही गाइड करते हैं कि वो मदर फीड पे बेबी को रखें। ठीक है, और जो फर्स्ट मदर फीड है ना वो ऑलमोस्ट विद इन 1 आवर आपने बेबी को करवा देनी है। ठीक है।
है, और जो फर्स्ट 4 मंथ तक है ना बेबी की डाइट, वो मदर फीड है, ठीक है। और 4 से 6 मंथ के बाद हमने बेबी की फीड के साथ सेमी सॉलिड चीजें ऐड करना शुरू कर देनी होती है, जिसे हम वीनिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज, जो जरूरी है ना, वो ऐसी ये चीज है कि देखें, अब बात यह है कि हमने अगर मदर फीड करानी है तो दिन में कितनी दफा करवानी है, ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल क्योंकि अगर बार बार बेबी रोएगा, हम बार बार बेबी को फीड करवा देंगे तो उसको एब्डोमिन कोलिक आना शुरू हो जाएगा, वो बेबी जो है वो दूध फेंकना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हर बेबी के रोने का मतलब ये नहीं होता कि उसको भूख लगी है, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान साथ रखना है, ठीक है। जब बेबी पैदा हुआ है और 6 माह तक, यानी 6 वीक्स तक, यानी कि 1.5 महीने तक बेबी को आपने 2 से 3 घंटे के वक्फे के बाद फीड करवानी, ठीक ठीक है है। 2 घंटे का वक्फा जो है वो लाजमी, ठीक है। फिर जब बेबी जब 1.5 माह का हो जाएगा, 1.5 माह से लेकर 6 माह तक आपने उसको हर 4 घंटे के बाद फीड करवानी, ठीक है ठीक है, जी जी बिल्कुल ये चीज क्लियर हुई। अब जब बेबी 6 माह का हो जाएगा, तो फिर अब हमने बेबी की फीड में साथ ऐड क्या चीज करनी है, सेमी सॉलिड चीजें, ठीक है। ठीक है वो हम उसी सूरत में ऐड कर सकेंगे जब हम बेबी की फीड को कम करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है। अगर हम उसको हर 2-2 3-3 घंटे बाद दूध देते जाएंगे, वो मदर फीड भी हो सकता है, वो पाउडर मिल्क भी हो सकता है, वो ये खुला दूध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब वो बेबी मिल्क पी लेंगे वो सेमी सॉलिड्स की तरफ नहीं आएंगे। अगर वो सेमी सॉलिड्स की तरफ नहीं आएंगे, ना उनकी कैलोरीज पूरी होंगी, ना उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, ठीक है। तो उनमें क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक अनिमिया या वेट गेन नहीं करेंगे, शॉर्ट स्ट्रेचर रह जाएंगे, कैल्शियम की कमी, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सही और सबसे हम जो चीज करते हैं ना, वो ये है कि आज एक बहुत कॉमन चीज हमारे सोसाइटी में आ गई है, जिसे चूसनी कहते हैं आम जुबान में, ठीक हाँ है। जी ये बिल्कुल चीज गलत है, ये इससे बेबी बाहर क्या होता है, ये इसको चूसते रहते हैं, और उनकी जो भूख है वो खत्म हो जाती सही है, उनमें सही की पैदा नहीं होती, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो प्रॉपरली वेट गेन नहीं कर पाते, सही। तो आप कहने का मतलब है कि बच्चों को चूसनी या जो पैसे फायदे होते हैं इसका इस्तेमाल को डिस्करेज करना चाहिए। करें, ठीक है। ठीक और फीड फीड जब बच्चा 6 माह का हो जाए, उसके बाद आपने उसको सिर्फ दिन में 5 दफा फीड करवानी है, पांच ठीक दफा है जी। उसके बाद आपने उसको सेमी सोलिस पे रखना है, ठीक है, जिसमें आप उसे एक केला दे सकते हैं मैश करके, ठीक ठीक है, है सूजी वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, जो पीस के उसको आलू पोटैटो दे सकते हैं, स्मैश पोटैटो, ठीक है ठीक है, इस तरह की चीजें उसे दे सकते हैं आप, कस्टर्ड दे सकते हैं आप उसको, ठीक है ठीक है, इस तरह की चीजों पे आपने करना है उसको। जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको इस बारे में करना चाहूंगा कि अक्सर खवातीन हमारे पास शिकायत लेके आती हैं कि उनका बच्चा जो है जब वो वेनिंग स्टार्ट करती हैं तो बच्चा कुछ खाता नहीं है या वो दूध ही पीता है सिर्फ, उसके अलावा कुछ और खाने को तैयार नहीं है, या फिर अगर वो कुछ खाता भी है तो उसको पसंद नहीं आता, वो बाहर फेंक देता है। तो इस वजह से खवातीन काफी परेशान होती हैं, हमारी माएँ, इस बारे में आप थोड़ा सा रहनुमाई कीजिए। देखिए, असल में यह है कि जब बेबी स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं ना, 6 मंथ तक, तो जब हम वीनिंग स्टार्ट जब हम खिलाना सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हैं ना, तो बेबी ऑलमोस्ट कुछ टाइम लेता है, क्योंकि उसकी न्यूरो मस्कुलर, यानी जो उसके दिमाग के सेल्स है ना, वो अभी भारी होते हैं, वो बेबी चीजों को अडेप्ट करना शुरू करता है। वो मिल्क से एकदम जब हम उसको सेमी सॉलिड्स में चेंज करते हैं, तो वो उसके लिए एक अच्छा नहीं होता, वो इसलिए फेंक देता है। तो आपने अपनी इस कोशिश को जारी रखना है, थोड़ा थोड़ा आपने उसको खिलाते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता उसके न्यूरो मस्कुलर डिवेलप होंगे और वो इस चीज को खाना शुरू कर देगा। इसमें आपकी स्टार्ट में एफर्ट लगेगी, ठीक ठीक है है, ठीक है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेबी अडेप्ट कर देगा, ऑलमोस्ट 3 से 5 डेज लग जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बेबी इसको अच्छी तरह अडेप्ट कर लेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि दूध के अलावा जो भी चीज आप उसको दे रहे हैं ना, वो आप उसको थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाए बेबी के लिए, सही सही उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी करे बेबी, दे के खुश हो, लाइक भालू वगैरह या इस तरह कुछ भी, जिस तरह हम उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, जी यदि उसके बिल्कुल बिल्कुल काउंटिंग है ना, वो आपने उसको अट्रैक्टिव बना दे। ओके डॉक्टर साहब, एक और चीज जो अक्सर खवातीन हमारे पास शिकायत लेके आती हैं वो ये कहती हैं कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ा, हम उनको जो है एक तो उसका खाने का दिल नहीं करता और दूसरा कि उसका वजन नहीं बढ़ा, या वो कई इस वजह से कहते हैं कि उनका रंगत है वो पेल हो गई है, और कई कहते हैं कि पेट में कीड़े हैं, ये वो इस तरह के मसाइल हैं। तो अगर किसी का वजन बढ़ नहीं रहा तो उसको क्या करना चाहिए, आप इस बारे में क्या मशवरा देते हैं? देखिए, उसमें जो है ना, सबसे पहले हमें इस चीज का रूल आउट करना पड़ेगा कि वेट ना बढ़ने की वजह क्या, ठीक है। ठीक है
सबसे कॉमन वजह यह है कि अगर तो बेबी सिर्फ मिल्क के ऊपर है, तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई है कि सिर्फ जो मिल्क है ना, वो ना प्रॉपर कैलोरीज देता है ना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देता है, बेबी वेट गेन नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमारे यहाँ पे कॉमन ट्रेंड सा रहता है कि बेबी फीडर लेते हैं और सारा दिन घर में घूमते रहते हैं और सेमी सॉलिड्स की तरफ या इस तरह अपनी प्रॉपर फीड पे नहीं आते और वो इस तरह फिर वेट गेन नहीं कर पाते, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि आजकल ये जो पॉकेट मनी का रुझान है, उसकी वजह से थोड़ी सी पॉकेट मनी इनको दे देते हैं, दुकान से चीज देने चले जाते हैं, स्नैक्स खा लेते हैं तेज मिर्च वाले, बच्चों का पेट दर्द करता रहता है, वो कुछ नहीं खाते, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो हमारे जंक फूड, तली हुई चीजें, ये बच्चे खा लेते हैं, तो इनमें इस जो बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, इसके अंदर प्रॉपर कैलोरीज इनके लिए नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रॉपर वेट गेन नहीं कर पाते। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की चीजों को डिस्करेज करें, बच्चों को फ्रेश चीजों पे रखें, फ्रूट्स दें उनको, घर की बनी हुई चीजें दें, ठीक है। और ये पापड़ जो है, इस तरह की चीजें, स्नैक्स जो है, इससे जरा अवॉइड रखें शुरू में। सही सही सही, बड़ा अच्छा आपने बता दिया। तो जो अगर किसी का वजन नहीं बढ़ा तो उसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसको अगर मैं रिपीट करूं तो वो ये है कि एक तो बाहर की चीजों से परहेज करना है मुकम्मल तौर पे। जी दूसरा ये कह रहे हैं कि 5 फीड, अगर बच्चे की उम्र 6 साल से ऊपर है तो 5 फीड होने चाहिए, 3 बड़े खाने और 2 स्नैक्स, ऐसे ही है। जी जी और जो उसमें उन्होंने खाना खाना है उसमें उन्होंने कोशिश करनी है फ्रूट्स वेजिटेबल्स घर में बनाई हुई बगैर तली हुई चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करवाना है, और बच्चे को जो है फिजिकली एक्टिविटी की तरफ भी, फिजिकली एक्टिव रखने की कोशिश भी करनी है। बिल्कुल, इस बारे में मैं आप नाजरीन को बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर लंबे अरसे से यह मसला है, तो कोई फिजिकली इशू भी हो सकता है या कोई डिजीज भी हो सकती है, तो इस सिलसिले में जरूरी है कि आप किसी अच्छे बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं या जच्चा बच्चा डॉट कॉम पे डॉक्टर हुसैन को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके उनकी स्केड्यूल करके आप जो है 1-to-1 उनसे बात करके वीडियो कॉल के ऊपर अपने बच्चे का जो है वो प्रॉपर इलाज करवा सकते हैं। जी हमारा प्लेटफॉर्म zachabacha.com 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है, कोई पेशेंट, किसी की कोई क्वेरी हो तो एनी टाइम वेलकम इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, आप किसी वक्त भी अगर कोई क्वेश्चन है किसी बारे में तो आप हमारा क्वींस कम्युनिटी ग्रुप है उसमें जाके आप कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी डॉक्टर साहबान से जो है अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, zachabacha.com जो है वो प्रेगनेंसी के पैकेजेस देता है, एक ऑनलाइन प्रेगनेंसी केयर है, एक फुल प्रेगनेंसी केयर है, इसी तरह न्यूनेटल केयर है। उसमें क्या होता है कि आपको एक मंथली कुछ फीस देनी होती है जिसमें सारे ऑनलाइन चेकअप्स वगैरह, आपका किसी वक्त भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको या आपके बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको या आपका छोटा बच्चा है उसको किसी वक्त भी कोई भी मसला आ सकता है, तो अल्लाह ताला महफूज रखे, तो आप किसी वक्त भी जाके डॉक्टर्स के साथ जो हमारे 24 घंटे अवेलेबल होंगे उसके साथ चैट कर सकते हैं, ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हैं या वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो फुल प्रेगनेंसी केयर जो पैकेज है वो जो अभी फिलहाल लाहौर में है, जिसके अंदर अगर आप हमें अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट बताते हैं तो हम आपको सारे विजिट्स जो आपके ऑनलाइन होने हैं एंड ऑफलाइन होने हैं वो सारे विजिट्स हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसके बाद हमने बच्चे की अल्ट्रासाउंड, उसका जो आपके टेस्ट वगैरह होने हैं, आपकी खुराक का ख्याल, आपको अनिमिया से बचाना, कॉम्प्लिकेशन से बचाना, और ये हत्तुल इम्कान कोशिश करना कि नॉर्मल डिलीवरी हो और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं अपने नाजरीन को लाजमी ये कहूंगा कि वो जाके zachabacha.com की वेबसाइट पे जाके हमारे वो पैकेज जरूर देखें, या किसी भी डॉक्टर साहबान के साथ अगर वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना चाहते हैं तो वो भी करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुसैन, आपने हमें टाइम दिया आज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर किसी और टॉपिक के बारे में जरूर बात करेंगे। जी थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।